आज की रेमेडी में मैं आपसे शेयर करूंगी आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, ये दोनों स्किन टाइप के लिए परफेक्ट रेमेडी है। इस रेमेडी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो तकरीबन हर एक घर में अवेलेबल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी को। सबसे पहले मैंने जो चीज़ यूज़ किया है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक बेहतरीन स्क्रब के तौर पे काम करती है। इसके अलावा हमारी डेड स्किन को रिमूव करके हमारी स्किन को इवन टून करती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून कॉफ़ी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं लूँगी वो है एलोवेरा जेल। ये मैं लूँगी 1 टीस्पून। एलोवेरा हमारी स्किन के ओपन पोर्स को ख़त्म करने में मदद करेगी। तो लास्ट चीज़ जो इसमें ऐड की जाएगी वो है अर्के गुलाब यानी कि रोज़ वाटर। अगर रोज़ वाटर ऑप्शनल है, अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप रॉ मिल्क या योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम ऐड करके बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब बारी आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने बॉडी के फेस के जिस भी हिस्से पर इसको अप्लाई करना है, जिस भी हिस्से पर टैनिंग है, जिस भी हिस्से का स्किन डबल टोन हो चुकी है, ओपन पोर्स है, आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अपने अपने फेस को, उस बॉडी पार्ट को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लेना है। बाद में इसके अप्लाई कर लेना और 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने देना है। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाए तो आपने नॉर्मल पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। ये रेमेडी आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।